फर्स्ट एप्लीकेशन है, ऑफेंस है जो 304B 498A आप कौन है? पति हस्बैंड? एक ही अभियुक्त है। यस, जहर खा करके इसने 2/7/2022 को जहर खा लिया और 4/7/2022 को इसकी मृत्यु हो गई। यस। एनी डाइंग डिक्लेरेशन? डाइंग बिल्कुल डिक्लरेशन नहीं है इसमें, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। चालान पेश हो गया है। 20/7/2022 से जेल में है ये, और इन्वेस्टिगेशन में ये कहा कि 6 साल हुए थे शादी को, जबकि हमने डॉक्यूमेंट के साथ पेश एप्लीकेशन के साथ पेश किया है, मैरिज कार्ड पेश किया है, और बड़ी लड़की का जन्म हुआ है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट। बड़ी लड़की पैदा हुई है 2016 में, और स्टेटमेंट आया कि जून 2016 में शादी हुई है। बेटी का भी जन्म हुआ है 26/8/2016 को। यस, आपके हिसाब से शादी कब हुई है? हमारे हिसाब से 2 जून 2014 को हुई है, तो ये 304 भी नहीं लगेगा। 306 का कोई इंग्रेडिएंट चालान में कुछ नहीं है ऐसा। यह स्टेट जो उसके उन्होंने बताया कि शादी तो अंदाज से बताया, शादी के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं किए थे, तो यस। उनके ऊपर 306 का एलिगेशन तो बनता है ये कि ये प्रताड़ित करते थे, शादी में दान दहेज कूलर पंखा और 60,000 रुपये की मांग करते थे। जो स्टेटमेंट है, ब्रदर ऑफ ऋषि चंद्रभान सिंह लोधी, ये अगर आप 26/8/16 से भी 1 साल मान लें तो भी 7 साल हो गए मोर हैं। देन 7 ईयर्स पूरा, अगर आपके हिसाब से शादी का कार्ड और उन्होंने बच्ची की डेट ऑफ बर्थ से भी। उसका आधार कार्ड भी है हमारे पास में। आपकी बात से हम सहमत यस, व्हाट इज एलिगेशन बाई हैं। स्टेट? एलिगेशन ये है, लड़के एलिगेशन की शराब और मुर्गा खाते थे और उसमें झगड़ा करते थे, और बाद में जोड़ दिया कि मोटरसाइकिल के लिए पैसे मांगते थे। क्रुएल्टी आ रही है लड़के से, ये मैं स्टेटमेंट है चंद्रभान सिंह लोधी का, डिमांड ऑफ डाउरी है क्या? डिमांड ऑफ डॉरी भी आया है। पढ़ी पर चंद्रभान सिंह मैंने पूछताछ पर इसका बताया नाम कि पढ़ रहे हैं। चंद्रभान सिंह लोधी ने बताया कि मैं उपरोक्त पते पर निवास करता हूँ, खेती किसानी करता हूँ, कक्षा 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, हम 5 भाई 4 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी मंझली बहन मैम बाई की शादी जून 2016 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ग्राम लेधौरा निवासी मेहरवान सिंह लोधी से हुई थी। शादी में दान दहेज टीवी कूलर पंखा पेटी एवं 60,000 रुपये नकदी एवं सामान स्वेच्छा से दिया था। मेरे बहनोई मेहरबान सिंह के बड़े भाई बचन सिंह की शादी हो चुकी है, वह न्यारा रहता है, लड़की की सास भी न्यारी रहती है। शादी के कुछ वर्षों तक मेरी बहन ससुराल में अच्छे से रही, फिर बहनोई मेहरबान सिंह दारू पीकर एवं मुर्गा खाकर आता था एवं उसके साथ मारपीट करता था। बहन को कई बार रोटी बनाने के लिए परेशान करता था, कहता था मोटरसाइकिल खरीदना है, अपने मायके वालों से पैसे मंगाओ। बहन दारू मुर्गा के लिए रोकती थी तो मारपीट करता था। बहन जब भी मायके जाती थी अपनी परेशानी बताती थी। दिनांक 2/7/2022 को दिन में 11 बजे लदौरा से मेरी बहन के जेठ बचन सिंह का फोन आया कि मैम बाई ने कीटनाशक दवाई जहर पी लिया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं। मैं मेरा भाई छोटा भाई केसरी सिंह मोटरसाइकिल से लदौरा आए, मेरी बहन की दलहन में बेहोश थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, फिर 108 वाहन से उसे दिल्ली अस्पताल सागर ले गए, राज्य अस्पताल मकरोनिया में इलाज कराया। 4/7/2022 को बहन खत्म हो गई। बहन के अंतिम संस्कार में लदौरा में हुआ था, जिसमें मैं शामिल हुआ था। वेरे मैं सर्टिफिकेट, जी आप बोल रहे हैं आपने सर्टिफिकेट फाइल किया है पेश किया तब? ना, IA नंबर है, इट इज नॉट देयर ऑन रिकॉर्ड। मैं दिखा देता हूँ। ये है लड़की, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट पेश किया है। हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट? मैरिड का कार्ड कार्ड पेश किया है, बताइए, बताइए गिव मी कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। सर। एप्लीकेंट हैज फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 पुलिस जी स्टेशन सो एंड सो, हैज इसी रजिस्टर्ड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन सो एंड सो।
काउंसिल मैरिज के कार्ड फॉर के बाद में उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी है, काउंसिल फॉर बड़ी बेटी। एप्लीकेंट सबमिटेड दैट एप्लीकेंट हैज फॉल्सली बीन इम्प्लिकेटेड इन केस ऑफ डाउरी डेथ फुल स्टॉप इट इज सबमिटेड बाय हिम दैट मैरिज टुक प्लेस ऑन 2/6/2014 डेथ ऑफ मीम बाई टुक प्लेस आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज फुल स्टॉप इन दीज सरकमस्टांसेस नो केस ऑफ डाउरी डेथ विल बी मेड आउट फुल स्टॉप फॉल्स एलिगेशन ऑफ डिमांड ऑफ डाउरी इज मेड अगेंस्ट एप्लीकेंट देयर वॉज डिस्प्यूट बिटवीन एप्लीकेंट इज एंड हिज वाइफ एज ही यूज टू ड्रिंक लेकर फुल स्टॉप Over this, she has committed suicide. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail and submitted that marriage has taken place June 2016. Full stop. Applicant demanded dowry and was also harassing the deceased in respect of dowry. Therefore, she committed suicide. In these circumstances, application be dismissed. Heard the counsel for the parties considering the marriage card which has been presented by applicant and date of birth certificate of daughter of applicant that is of 26/8/2016 it appears at this stage that marriage has taken place prior to 7 years of death. In these circumstances, application is allowed. Applicant be released on bail 50,000 trial costs. Bail number 30, to death only.